हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं आपको सेट चैप्टर का नेक्स्ट एग्जांपल बताऊंगा। एग्जांपल नंबर 10। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। जो भी सेट दिया हुआ है उसको हम लोग को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो रोस्टर फॉर्म मतलब उसका जो भी एलिमेंट का आंसर आएगा उसको एग्जैक्टली लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा सेट ए इक्वल टू, यहाँ पर x सच डेट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब जो भी x में एलिमेंट आएगा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। एंड उसके साथ में और क्या दिया हुआ है कंडीशन, x जो होना चाहिए वो लेस देन 8, मीन्स 8 से कम होना चाहिए। तो इसका अंदर आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ओनली 7 तक, मीन्स यहाँ पर 8 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ओनली लेस देन लिखा हुआ, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा हुआ। तो इस सेट का आंसर हो जाएगा ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक सेट दिया हुआ है बी एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स प्राइम नंबर होना चाहिए और साथ ही साथ विच इज अ डिवीजर ऑफ 30, यानी वो 30 का डिवीजर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो एक सेट बी लिखेंगे जिसके अंदर एलिमेंट आएगा प्राइम नंबर और डिविजल ऑफ 30। तो 30 का डिविजल है 1, 2, 3, 4, 4 के टेबल में 30 नहीं आता है, 5, 6, 10, 15 एंड 30। बट इसमें से हम लोग को सिर्फ प्राइम नंबर ही लेना है, तो प्राइम नंबर है 2, 3, 5 एंड 6 प्राइम नहीं है, 10 भी प्राइम नहीं है और 15 और 30 भी प्राइम नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी इक्वल टू 2, 3, 5। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सी इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स का जो वैल्यू होगा -2 से बड़ा होगा और 6 से क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन होगा सी इक्वल टू, अब यहाँ पर एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो इंटीजर होना चाहिए और -2 से बड़ा और इक्वल भी, मीन्स -2 भी लिख सकते हैं, देन -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर हम लोग 5 तक इसलिए लिखे क्योंकि ये 6 तक गया है, मतलब 6 से वो लेस देन है, इक्वल टू नहीं, 6 से क्या है, लेस देन है, इसलिए हम लोग क्या लिए है 5 तक ही लिए। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा सी इक्वल टू -2, -0, 0, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक सेट है डी इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ 2-डिजिट नंबर, एक्स 2-डिजिट नंबर होना चाहिए और साथ ही साथ दोनों डिजिट नंबर का जो सम होना चाहिए वो 6 के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सेट डी इक्वल टू, इसके अंदर हम लोग को 2-डिजिट नंबर लिखना चाहिए, लिखना है और वो 2-डिजिट नंबर का जो सम होगा वो 6 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम लोग पहले 1 लिखेंगे तो 1 के साथ 5 आएगा, बिकॉज 1 एंड 5 क्या होता है, 1 और 5 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। दूसरा नंबर लिख सकते हैं हम लोग 2, 4, 2, 4 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। फिर लिख सकते हैं 3, 3, देन 4, 2, देन 5, 1 एंड लास्टली 6, 0। यहाँ पर हम लोग 0, 6 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि 0, 6 को हम लोग 6 ही बोलेंगे और 6 जो है वो 2-डिजिट नंबर नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन होगा 15, 24, 33, 42, 51 एंड 60। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक सेट है ई एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड बी ई डबल टी ई आर। तो एक्स के अंदर वैसा एलिमेंट आना चाहिए जो इस लेटर से मिलता है, यानी बी ई डबल टी ई आर। तो इसका सॉल्यूशन चलिए हम लोग लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा सेट ई इक्वल टू, यहाँ पर बी ई डबल टी ई आर को यहाँ पर लिखना है बी ई टी आर। यहाँ पर ई को और आर को, ई को और टी को हम लोग छोड़ चुके हैं, क्यों, क्योंकि जो भी सेट के अंदर एलिमेंट लिखते हैं वो सेम नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो भी सेट के अंदर एलिमेंट लिखते हैं उसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। तो इस सेट का सॉल्यूशन हो जाएगा बी ई टी आर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक सेट है एफ इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर लेस देन होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 4 के। चलिए हम लोग यहाँ पर एक्स का वैल्यू पुट करते हैं।
तो एक्स क्या होना चाहिए इंटीजर, मीन्स एक्स का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। तो पहले अगर एक्स का वैल्यू हम लोग जीरो लिखेंगे, क्योंकि जीरो भी क्या है, एक इंटीजर है, तो जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो होगा, मीन्स ये फोर से लेस देन है, यानी हम लोग एफ सेट के अंदर जीरो को लिख सकते हैं। देन अब हम लोग वन से चेक करेंगे, तो वन का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर वन का स्क्वायर आएगा वन, वन क्या है फोर से लेस देन है, यानी हम लोग वन को भी लिख सकते हैं। अब साथ में हम लोग देखेंगे माइनस वन का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर बोला है, तो हम लोग माइनस के लिए भी चेक करेंगे, तो माइनस वन का स्क्वायर भी क्या आएगा, वन आएगा, मीन्स हम लोग माइनस वन को भी लिख सकते हैं। देन अब हम लोग करेंगे टू से चेक, तो टू का स्क्वायर क्या आएगा, फोर आएगा, टू का स्क्वायर फोर जो है फोर के लेस देन तो नहीं है बट इक्वल है, तो हम लोग टू को भी लिख सकते हैं। अब इसके साथ ही हम लोग माइनस टू के लिए चेक करेंगे, तो माइनस टू का स्क्वायर भी क्या आएगा, फोर आएगा, जो कि फोर के इक्वल है, मीन्स हम लोग यहाँ पर माइनस टू भी लिख सकते हैं। बट अगर इससे हम आगे हम लोग जाएंगे, मीन्स अगर हम लोग थ्री लिखेंगे, तो थ्री का स्क्वायर आ जाएगा नाइन, जो कि फोर के, फोर से वो छोटा नहीं है, फोर से वो बड़ा है, इसलिए हम लोग थ्री या इससे आगे हम लोग नहीं जाएंगे। तो इस सेट का सॉल्यूशन हो जाएगा एफ इक्वल टू जीरो वन माइनस वन टू माइनस टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 11, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो हम लोग को बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है एंड कौन सा सेट इनफाइनाइट है। तो पहला क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 36। तो इसके अंदर पहले हम लोग देखते हैं एलिमेंट आ रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक्स स्क्वायर का वैल्यू 36 से कम होना चाहिए, मीन्स नेचुरल नंबर में वन लिख सकते हैं, वन से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, और वन का अगर स्क्वायर करेंगे तो 36 से वो लेस होगा, मीन्स हम लोग टू भी लिख सकते हैं, थ्री भी, फोर भी एंड फाइव भी। फाइव का स्क्वायर क्या होता है, 25, तो 25 भी क्या होगा, 36 से लेस होगा। इसके बाद अगर हम लोग सिक्स लिखेंगे तो सिक्स का स्क्वायर क्या आएगा, 36 आएगा, एग्जैक्टली 36, बट यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पर सिक्स को नहीं लेंगे। तो इसके अंदर आएगा वन टू थ्री फोर फाइव, यानी ये फाइनाइट सेट है, जिस सेट में जो भी नंबर होता है वो काउंटलेस काउंट कर सकते हैं अगर उसको, तो वो फाइनाइट सेट होता है, और जिस सेट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जिसके जिस सेट के अंदर का जो एलिमेंट है उसको अगर हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं और पता करते हैं कि ये फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट सेट है। तो x सच डैट x बिलोंग टू इंटीजर, z मतलब इंटीजर हम लोग बोलते हैं, एंड x लेस देन 10। तो x क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए और x का वैल्यू 10 से कम होना चाहिए। तो इसके अंदर का जो एलिमेंट आएगा वो पहले हम लोग लिखते हैं। तो x इंटीजर मीन्स अगर हम लोग x को जीरो लिखेंगे तो जीरो क्या है, 10 से कम है। उसके बाद माइनस वन भी 10 से कम है, माइनस टू भी 10 से कम है, ओके। तो यहाँ पर माइनस टू डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक जा सकता है, क्योंकि जितना भी माइनस का वैल्यू है वो 10 से क्या होगा, हमेशा छोटा ही होगा। और इसके बाद अगर हम लोग लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, ये जो वैल्यू है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये 10 से कम है, और यहाँ पर हम लोग 10 इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। तो इस सेट का सॉल्यूशन हो जाएगा ये, और इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर को तो काउंट कर सकते हैं, बट यहाँ का जो नेगेटिव नंबर है वो इनफाइनाइट तक चल चुका है, इसलिए इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। सो इसको अगर हम लोग लिखे तो इसको फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट लिख सकते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, x सच डैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है एंड x इज अ प्राइम नंबर। तो इसके अंदर का जो एलिमेंट होगा वो पहले लिखते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है बट 1 प्राइम नंबर नहीं है, ओके। एंड नेचुरल नंबर 1 के बाद 2, तो 2 प्राइम नंबर है, 2 के बाद 3 भी प्राइम नंबर है, 3 के बाद 5, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट इनफिनिट। तो ये आगे तक जाते रहेगा, मीन्स जो भी प्राइम नंबर है वो कभी रुकेगा नहीं। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। तो ये भी होगा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। तो अर्थ में जितना भी एनिमल रहते हैं उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी अनकाउंटेबल है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट, इन
फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 100, मींस x नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और उसका वैल्यू 100 से बड़ा होना चाहिए, मींस यहां पर 101, 102, 103 डॉट डॉट या ये इनफाइनाइट तक जाएगा, मींस ये सब सारे नंबर क्या है 100 से बड़े हैं, तो इसका जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, मींस ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 1000, मींस x नेचुरल नंबर होना चाहिए और उसका वैल्यू 1000 से कम होना चाहिए, तो इसके अंदर जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 1, 2, 3, 4 डॉट 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 999, मीन्स इसका वैल्यू 1 से 999 तक होगा और इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। ओके, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।